हैप्पी दिवाली। दिवाली है तो मीठा खाना तो बनता है, और अगर हमारी स्वीट डिश हेल्दी हो तो ये सोने पे सुहागा है ना। हम आज बनाने वाले हैं चॉकलेट फज। इसे आप गिल्ट फ्री खा सकते हो, बनाने में आसान और बहुत ही टेस्टी। चॉकलेट लवर्स विल लव इट सो मच। दिवाली वाले स्नैक्स जैसे लड्डू, शक्करपाड़ी, चूड़ा, चकली, मटरी, गुजिया, इन सबको भी आपको विदाउट फेल खाना ही चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो क्यों, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है। चलिए अब देखते हैं इस यमी और हेल्दी फज को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम आधा लीटर दूध गर्म करने रखेंगे। ये दूध जब तक गर्म होता है हम बाकी की तैयारी करेंगे। हमने करीब एक घंटे पहले 15 खजूर गुनगुने पानी में भिगोए थे। हम स्वीटनेस के लिए आज खजूर ही यूज करने वाले हैं। इनके सीड्स निकाल के मैं अब इनकी स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। सो फज के लिए हम ये खजूर की पेस्ट लेंगे, फिर हाफ कप ड्राई फ्रूट्स की पाउडर। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके मिक्सी में से दर दरा पीस लिया है, एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए हमें। इसके बाद 1/4 कप घी, 1/4 कप कोको पाउडर। अगर आपको थोड़ा कम चॉकलेटी चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हो। फिर 1/4 कप गुड़ की पाउडर। अगर आपको ज्यादा स्वीट पसंद है तो आप जैगरी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, या फिर जैगरी की जगह शुगर भी डाल सकते हो। लास्ट में है 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस। हमारा दूध बॉइल होकर रिड्यूस होने लगा है, इसे हमें 1/4 होने तक रिड्यूस करना है। ये देखिए, हमें दूध को इतना रिड्यूस करना है। अब हमें मिल्कमेड जैसी कंसिस्टेंसी मिल गई है। इस टाइम पे अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले खजूर की पेस्ट, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर ड्राई फ्रूट्स की पाउडर, कोको पाउडर और घी, सब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते ही रहना है। आपको गैस लो फ्लेम पे रखना है और कंटिन्यूअसली स्पून चलाना है, वरना ये जल सकता है। फिर हम गुड़ की पाउडर डालेंगे और लास्ट में वैनिला एसेंस। अब देखिए, ये एकदम गाढ़ा हो गया है, डो बन रहा है इसका। ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस 2 मिनट्स में। ये देखिए, ये एकदम रेडी है। हमने एक कांच के पॉट में बटर पेपर डाल के घी से ग्रीस कर लिया है। अब इस पॉट में हम हमारा फज डालेंगे। पॉट में डालने से पहले आप एक बार इसे टेस्ट करना, ताकि मीठा कम लगे तो आप एडजस्ट कर सको। इसे हम स्पून से ऐसे फ्लैट करेंगे और बाद में बादाम और काजू के पीसेस लगाकर गार्निश करेंगे। इसे हमें 1-2 घंटे ऐसे ही रखना होगा सेट होने के लिए। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, ये बाहर ही सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद हम इन्हें मनचाहे शेप में कट करेंगे। लुक हाउ टेम्पटिंग दे आर लुकिंग। बिलीव मी, दे टेस्ट डिलीशियस एंड आर वेरी हेल्दी। इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंच पाएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। बाय।